दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY खबर ही खबर। मैं विवेकानंद यादव। लगातार हार के बाद कई तरह का आरोप प्रत्यारोप राजद पर लगता आ रहा है। जदयू और भाजपा के लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब कमर कस के राजद के विधायक गण भी बाहर आ गए हैं, जो कि जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिसमें भाई वीरेंद्र ने जवाब दिया जो हमने आपको बताया था। अब विधायिका अजय यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि टूट का सिलसिला भाजपा और जदयू में चलता रहा। जदयू टूटी जब भाजपा के टूट के कई लोग भाग के महागठबंधन में आए। हमारे यहाँ कहीं कोई टूट नहीं है, हमारे दल की एकता अटूट है और जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल में टूट की कोई संभावना नहीं है। बैठकें होगी, कार्रवाई होगी, देखा जाएगा, लेकिन हमारे पार्टी के प्रमुख को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दल की हार होती है तो वो इस्तीफा नहीं देते, और जब हमारे दल में किस कारण से हार हुई, क्यों हार हुई, हम सब बैठ के इस पर समीक्षा करेंगे, क्यों इस्तीफा कोई देंगे, हम लोग विचार कर रहे हैं। और अभी हार होने से हम लोगों को सीख मिला, आने वाला विधानसभा में इसी चट्टानी एकता के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जनता से मत मांगेंगे। जनता मालिक है, जनता हमें भरोसा है कि हम सबों को फिर एक बार बिहार में सरकार बनाने का मौका देगी। अजय यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि जदयू और भाजपा का काम ही उंगली उठाना है और बुरा भला कहना काम ही है, बदनाम करना काम है, वो तो हमारे पक्ष की बात करेंगे नहीं। आदतों से लाचार हैं वो दोनों दल के नेतागण, अल बल बकते रहते हैं। हम लोग ऐसे बकने वाले की बात को तरजीह नहीं देते। वो लोग मीडिया में बोलते रहते हैं सुर्खी में रहने के लिए, ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं है। दल की बात है, दल में बात करी जाएगी, देखी जाएगी क्या करना है नहीं करना है, वो हमारे नेतागण करेंगे, शीर्ष नेतागण। ये भाजपा और जदयू के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने दल में देखें, अपने लोगों के बीच की बात को देखें कि सबको मनाने के लिए कितना उगोड़ पकड़ते फिरते हैं, क्या क्या करते फिरते हैं, अपनी देखें। दूसरे पर क्यों नजर रखते हैं, दूसरे को काम करने दे, अपना काम खुद करे। सुर्खी में रहने के लिए अल बल बकना ये हम लोगों के राजद परिवार का संस्कार नहीं है। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।